अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फिम। ये मेरे चेन्नई का घर का किचन है। जस्ट एक छोटा सा टूर आपको करा रही हूँ। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मैं होम टूर भी कराऊं, लेकिन फिल वक्त मैं बस आपको किचन टूर ही करा सकती हूँ। आराम से वो भी कराऊंगी। अभी तो ये वीडियोस में ही बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। देखिए, ये मेरा किचन है और ये किचन के बाहर का जो एरिया है, ये अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे। चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ संडे लंच व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी 12:30, 11:45, 12 कुछ टाइम है। ये दही जमा रही हूँ। रात को सभी दही खाते हैं। लंच के लिए मैं खिचड़ी, चिकन कोरमा बना रही हूँ। ये जैद को खिचड़ी, जैद यानी मेरा बेटा, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो नाम पता है, जो मेरे न्यू हैं शायद उनको मालूम नहीं। मैं पहले हैदराबाद में रहती थी, लेकिन अभी चेन्नई शिफ्ट होके हूँ, क्योंकि मेरे बेटे जैद को यहाँ पे IIT में सीट मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 4 साल के लिए हम यहीं पे चेन्नई में रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, खिचड़ी की तैयारी हम कर लेते हैं। चावल में मैं थोड़ी सी मसूर दाल, थोड़ी सी मूंग दाल डाल के इसे अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी रख दें। विजल में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा घी डाल के गरम कर लें। इसमें प्याज डालिए, प्याज को हल्का सा फ्राई करिए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक डाल के अच्छे से भून लें। भूनने के बाद पानी डाल दें। हर ग्लास के लिए, एक ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी डालिए, तभी परफेक्ट खिचड़ी बनेगी। जैद को खिचड़ी के साथ चिकन का कोरमा ज़्यादा पसंद नहीं, वो खिचड़ी के साथ चिकन फ्राई ही खाते हैं, वही पसंद है। तो इसीलिए मैं चिकन को मसाले लगा के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी मुझे फ्राई करना है, 1/2 घंटे पहले निकाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो हम चिकन फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, इसमें चावल डाल दें। फ्लेम को हाई पे ही रखे इसे पकाइए। इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते यानी कोथिमीर, हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च हल्का सा स्लिट करके डालिए, अच्छी खुशबू आएगी खिचड़ी में। अब यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है। चिकन के पीसेस या ऑलरेडी मैरिनेटेड चिकन है, तो चिकन डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, करियेपा, धनिया के पत्ते भी डाल दें, अच्छी खुशबू आएगी चिकन में। ये तेल आप फिर से किसी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर खिचड़ी भी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा पानी है, इसे सूखने दें लिड बंद करके। चिकन तो हमारा फ्राई हो चुका है, अब ये खिचड़ी में भी पानी ड्राई हो रहा है। और थोड़ा सा इसे मीडियम फ्लेम पे रख दें।
चलिए चिकन एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ये तो डन है। खिचड़ी के चावल भी गल चुके हैं, इसे अब दम पे रख दें, यानी लो फ्लेम पे रखिए लिड बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए। जैद के लिए खिचड़ी और चिकन फ्राई प्लेट में निकाल के टेबल पर रखने के बाद मैं आपको चिकन का जो सालन है उसका मेथड बताऊंगी। ये हमारा हॉल है, आप चिकन के सालन के लिए 1/2 किलो चिकन अच्छे से धो लें, वॉश करके रख लें। चिकन को मैरिनेट कर लें, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर डाल के। ये जो गरम मसाला पाउडर अभी मैंने डाला है, इसमें मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीट मसाला, चिकन मसाला, पूरे मसाला पाउडर्स मिक्स करके मैंने एक बॉक्स में रख दिया है। वही मैं अक्सर एक कोरमे में फ्राई में डाल देती हूँ। अलग से पाउडर्स, इतने 4 से 5 पाउडर्स डालने के बदल एक ही बॉक्स में अगर सभी पाउडर्स मिल जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर को रोस्ट कर लें। अभी हम ये कोकोनट पाउडर और थोड़े से मूंगफली डाल के पीस लेते हैं। एक हरी मिर्च भी डाल दें, इसका मसाला बन गया। धनिया के पत्ते, अच्छी खुशबू आएगी। इसमें थोड़ा पानी डाल के देखिए इस तरह से पेस्ट बना लें। नेक्स्ट 2 प्याज मीडियम साइज़ की से चॉप कर लें। एक या दो टमाटर भी चॉप कर लें, चॉपर के साथ। नॉर्मली भी एक चाकू से चॉप कर सकते हैं छोटे पीसेस में, अगर चॉपर ना हो तो। चॉपर रहने से आसानी हो जाएगी। 7 में मैं ये अंडे बॉईल कर रही हूँ, ये वीडियो के लिए है। ये वाइट एग करी है, शाही वाइट एग करी, इसका वीडियो भी जल्दी अपलोड करने वाली हूँ मैं। ये अंडों में थोड़ा सा नमक और सिरका यानी विनेगर डाल के बॉईल करिए, टूटेंगे नहीं। अब चलिए ये करी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल, घी डालिए, लौंग, इलायची, दालचीनी डाल के हल्का सा स्वीटर होने दें। नेक्स्ट इसमें ये चॉप की हुई प्याज डाल दें, हल्का सा फ्राई करने के बाद टमाटर भी डाल दें, दोनों को अच्छे से भूनिए। चिकन डाल के भूनिए। थोड़े से आलू भी डाल दें,
अगर चिकन पर कम पड़ा तो आलू खा सकते हैं। भूनने के बाद ये मसाला पिसा हुआ मसाला भी डाल दें, बल्कि फिर से भूनिए, अच्छे से भूनते जाइए। जितना भूनेंगे उतनी मज़े की ये करी बनेगी। लाल मिर्च पाउडर डालिए, थोड़ा सा नमक, मैरिनेट करते हुए ठंडा डाला था, लिड बंद करके थोड़ा पकाइए लो फ्लेम पे। पकाने के बाद अब पानी डाल दें, पानी डाल के लिड बंद करके सीटी लगा दें। धनिया के पत्ते, चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च। सीटी लगाने के बाद, एक सीटी के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए रखा था लो फ्लेम पे। अभी चिकन, आलू सब कुछ गल चुका है, देखिए कितनी झटपट रेसिपी है। इसे हम एक डिश में सर्व कर लेते हैं। नॉर्मली घर के लिए मैं स्टील के डिशेस का इस्तेमाल करती हूँ, कांच के नहीं, क्योंकि मेट्स जो हैं वो सभी कांच के बर्तन फोड़ देते हैं, इसीलिए बेहतर है स्टील का यूज़ करना। हॉट केस में खिचड़ी भी डाल के मैं टेबल पे रख देती हूँ, जिन्हें खाना है वो आके खा लेते हैं। पापड़ चाटने के लिए अचार, खिचड़ी, अचार, पापड़ और चिकन आलू का सालन, ये है हमारा आज का संडे लंच मेन्यू। तो आ जाइए हमारे साथ आप भी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।